नमस्कार, आइए सात पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में पहुंच सकते हैं, लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपके कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली, और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये अपने आप में वो उंगली है जो सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच चुकी है, जो इस पर्व को दर्शाती है कि आप में पूरे के पूरे गुण, अच्छे गुण कहें बुरे गुण कहें, सब तरीके से गुण, पूरे के पूरे गुण आप में विराजमान है। यानी कि अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा। साथ ही साथ उंगली का अलगाव इस पर्व को दर्शाता है। व्यक्ति खुल करके अपने निर्णय लेता है, निडर होकर के अपने निर्णय लेता है और जीवन में सफलता भी प्राप्त कर जाता है। हाथ की उंगली का आपने ये नाखून बढ़ाया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसका बढ़ाने का कोई औचित्य आपके पास है। यदि आपके हाथ के अंदर ये बड़ा रहेगा तो आपके दिमाग के अंदर ये ज़्यादा मक्कारी पैदा करेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ पर बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ खड़ी है। नीचे का पर बड़ा मोटा है, यानी कि परिवार से व्यक्ति मजबूती के साथ, पिता की मजबूती के साथ में व्यक्ति चलता है। यानी अच्छे खासे परिवार में व्यक्ति पैदा होता है और उंगली का जो सिरा है बिल्कुल एकता के साथ चला है। यानी कि व्यक्ति साहसी किस्म का होता है और निडर किस्म का व्यक्ति होता है। यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली आपके पास ये आपकी उंगली है। अब बात कर लेता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली कुछ लहरा करके चल रही है, इतना ज़्यादा खराब शनि नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें जो आएंगी आपको, शनि की ढैया महादशा अंतरदशा के अंदर आने वाली हैं। बृहस्पति की उंगली, यहाँ पर फिर बृहस्पति की उंगली। जब सब उंगलियों को बुलाओगे तो ये अलगाव का प्रतीक यहाँ पर आपकी उंगली, यानी कि ईश्वर भक्ति की तरफ किसी को ऐसा व्यक्ति कभी कभी ऐसा भी होता है बिल्कुल ईश्वर को मानता ही नहीं है। पहली बात तो पूजा करता ही नहीं है कुल मिलाकर के, और अपने ही अभिमान में जीने वाला या स्वयं पर अपना आप पर बहुत ज़्यादा एक तरह से कॉन्फिडेंस व्यक्ति को होता है। तो अच्छी बात है, आत्मविश्वास होना कोई बुरी बात नहीं है। इस प्रकार की यहाँ पर दर्शाने वाली आपकी ये बृहस्पति की उंगली। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके बुध पर्व की। यहाँ बुध पर और बुध पर्व पर ये जाने वाली रेखाएँ, जब जब इस प्रकार की रेखाएँ बुध पर्वत की तरफ जाती हैं तो व्यक्ति में अति साहस को दर्शाने वाली रेखा, और साथ ही साथ ये रेखा एक जो जा रही है ये अच्छे इंडिकेशंस, अच्छा संकेत देती है। इसको कह सकते हैं, अगर मैं कहूँ तो यहाँ अपने आप में बौद्धिक स्तर को यदि आप व्यापारिक स्थिति में अजमाएंगे तो वहाँ भी आपको सफलता दिलाने वाली ये बहुत बेहतरीन यहाँ पर आपके पास में मौजूद आपकी बुद्धि रेखा है। अब बात करता हूँ सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अच्छी खासी ये रेखा जाने वाली यहाँ पर मौजूद है। आप राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को अजमाइए। आप अगर मेहनत कर सकते हैं तो सरकारी उपक्रम में अपने आप को मेहनत करके, पढ़ लिख करके अजमाएंगे तो वहाँ से भी नौकरी छीन सकते हैं, ले सकते हैं। साथ ही साथ सम्मान की बात करें, ऊंची सम्मान पाने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर यहाँ पर मौजूद है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से यह बहुत बढ़िया संकेत यहाँ भी आपको मिला, जो सरकारी टेंडर्स में भी आपको लाभ दिला सकता है। तो यहाँ इस प्रकार के संकेत मिलने वाले मिले हैं। अब बात करता हूँ आपके सीधे सीधे शनि पर्व की। शनि का पर्व और शनि के पर्व पर लगातार जाने वाली रेखाएं, और दूसरी तरफ से ये रेखाएं जाकर के भी इनका भी शनि पर्व की तरफ ऊपर से जाकर के झुकाव है। यानी कुल मिलाकर धन की स्थिति तो ईश्वर कृपा से आपके जीवन भर यहाँ जीवन के अंतर्गत रहने वाली है, ये स्थिति आपके पास मौजूद है। आइए बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व से साइड से निकल करके एक रेखा थोड़ा सा एक तरह से राहु रेखा का सा मुख खोल रही है। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो व्यक्ति अपने भाषा शैली को दबंगता के साथ में प्रदर्शित करता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की रेखाएं, और मकान की बात करें तो वो व्यक्ति के पास में होता है, ये कोई बड़ी बात उसके लिए नहीं है, अपने आप भी वो मकान जीवन में बना सकता है। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर मंगल पर्व की। मंगल का पर्व, साहसिक रेखाएँ यहाँ से निकलने वाली रेखाएँ लगातार, अति साहस आपके पास, और एक मंगल रेखा यहाँ से निकल करके सीधी शनि पर्व तक। यानी ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने में माहिर होता है और उसी साहस के बल पर अचानक धन भी प्राप्त करता है। ये रेखा भी आपके हाथ के अंदर
मौजूद है। तो चलिए इस रेखा का ही फल बता देता हूँ। आप कहते हैं बड़ा बड़े अमाउंट का गेम करना चाहता हूँ, हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल आपके पास ये रेखा एक ऊपर वाली गई, ये मंगल पर्वत से निकल करके और साथ ही साथ इधर द्वितीय मंगल से पर्व से निकल करके रेखा सूर्य पर्वत को गई। इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट सरकारी उपक्रम का भी होगा, या तो ऐसा हो सकता है कि कोई गेम आपका बड़ा जो भी हो उसमें सरकारी धंधे का भी कहीं ना कहीं से उपयोग है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति का हाथ देखा था, तो वो व्यक्ति शराब का बड़ा ठेकेदार था, वो व्यक्ति उसके पास में शराब के बहुत सारे ठेके थे, चरस के गांजा तक के बेचने के ठेके उस व्यक्ति के पास में थे। तो हो सकता है कि यहाँ क्योंकि आपका जो पर्वत चंद्र पर्वत भी वो अनुकूल स्थिति के अंदर है, तो वो उस स्थान के द्वारा यदि मैं कहूँ तो आप यहाँ वो क्लियर भी है, तो शराब के द्वारा डीजल पेट्रोल पंप ऐसे कामों के द्वारा पानी के द्वारा या दूध के कामों के द्वारा इस तरह की स्थिति यहाँ आपकी भी अनुकूल है। तो कुछ ना कुछ बड़ा गेम आपके जीवन में जरूर होगा, इस रेखा ने स्पष्ट रूप से आपके हाथ के अंदर बता दिया है। अब बात हो गई आपकी, इसके बाद में बात कर लेते हैं आपकी वैवाहिक रेखा के लिए, आपकी हृदय रेखा की। यहाँ हृदय रेखा और हृदय रेखा यहाँ से जाकर के अनुकूलता के साथ में यहाँ चली गई। जरा दूसरे चित्र में हो रहा दूसरे में यहाँ भी अनुकूलता के साथ में ही है कुल मिलाकर के। तो ये देखिए आपके यहाँ जो आपकी ये विवाह जो रेखा बन रही है, विवाह रेखा के अंदर ऐसा कहीं भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आपके जीवन के अंतर्गत कोई आपका विवाह लेट थोड़ा हो गया है, 30 साल का हो गया है। लेकिन विवाह की जहाँ तक सवाल ताल्लुकात है, तो थोड़ा सा यहाँ एक एक्स का चिन्ह भी बना है, एक हल्का सा आपकी मस्तिष्क रेखा से जो आपकी जिद को अपनाता है, यहाँ आपको इस तरह से काट देते हैं, तो जो आपकी जिद को अपनाता है, तो यहाँ अगर आप जिससे भी विवाह कर रहे हैं उस औरत का आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल है। तो आपने कहा डाइवोर्स महिला से प्रेम करता हूँ, हो सकता है बिल्कुल संभव लग रहा है मुझे, लेकिन वो महिला आपको जीवन भर सहयोग करेगी आपका जिससे भी विवाह होगा। तो ये इस प्रकार का चिन्ह अभी हाँ, और आगे भी कोई संकेत मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बात, अब बात आ गई आपकी आगे रेखाओं के बारे में बात कर लेता हूँ, आपकी मस्तिष्क रेखा की बात करता हूँ। मस्तिष्क रेखा है शुरू में कुछ धुंधली होकर के चली है, बाद में इन पर जाकर एक्स के चिन्ह बन गए हैं, यानी ये व्यक्ति को जिद बनाने वाली ये रेखाएँ आपके हाथ के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ से ही एक त्रिकोण बनकर के मस्तिष्क रेखा से ऊपर चला है, यानी कि आपकी बुद्धि की जो योजना है कि भाई वो फिर दोबारा ये चिन्ह आया कि कोई बड़ा गेम करना चाहता हूँ, इस त्रिभुज से निकल करके सूर्य को ये गई, तो वो बड़ा गेम आप कर पाएंगे जिसके द्वारा आप अच्छा खासा धन कमा पाएंगे। तो ये अपने आप में दिखलाने वाली स्थिति यहाँ 35 वर्ष के बाद से मुझे ज़्यादा लगती है, लेकिन यहाँ इस प्रकार की स्थिति। अब बात करते हैं हम आपकी सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा अनुकूलता के साथ में ये भाग्य रेखा और जाकर के सीधी सीधी चली गई है, यानी ईश्वर कृपा से जो भी धंधा आप करने वाले हैं वो एक ही धंधा आपका जीवन में लगातार चलने वाला है, और उसके द्वारा आपको यह सम्मान ये सब चीज़ें भी मिलने वाली हैं। सुपर बाइक लेना चाहते हैं, अब देखिए जिसके पास इतनी बेहतरीन भाग्य रेखा हो और बुद्धि रेखा भी अच्छी है, और तो इस प्रकार की रेखा वालों के ये के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सुपर बाइक ना ले सकें। एक मंगल रेखा यहाँ से निकल कर के और जाकर के आपकी शनि रेखा के अंदर मिल गई है। अगर ऐसा आपके जीवन में होगा सुपर बाइक वाला, तो ये भी यहाँ मुझे 35 से ही के करीब में ही लगता है। तो अपने आप में 35 से 38 के बीच में आप वो सुपर बाइक ले पाएंगे ऐसा मुझको लगता है। तो चलिए अब एक ये रेखा देख लीजिए, इन रेखाओं का संबंध आपके शुक्र पर्व के साथ है। यहाँ चंद्र पर्वत का केतु स्थान से निकल कर के और सीधा शुक्र पर्वत को स्थान को जाना, तो इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति का अवैध संबंध। साथ ही साथ यहाँ शुक्र पर्वत के ऊपर एक दूसरी रेखा भी है जो इस बात को दर्शाती है कि आप कहीं दूर स्थानों पर कितनी बार यात्राओं के लिए भी जाएंगे और सुख साधन भी आपके पास में अच्छे खासे बने रहेंगे। ये अपने आप में यहाँ आपका बात है। आपने पूछा मेरा अपना घर कब होगा, 35 से लेकर के 40 वर्ष के बीच का जो समय होगा उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसको आप
ना खरीद पाएंगे अपनी इच्छाओं के अनुसार, यानी मकान भी, बाइक भी, कोई बड़ा गेम है वो भी आप कर पाएंगे। इस तरह के संकेत आपके हाथ के अंदर है। आइए शुक्र पर्वत, शुक्र पर्वत बताता है सुख साधन आपके पास सही रूप से यहाँ पर मौजूद हैं, तो सुख साधन की भी कोई कमी नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा को जब मैं आपको देखता हूँ तो बहुत बेहतरीन आयु रेखा वर्तमान के हिसाब से भी 80-82 वर्ष की हाथ के अंदर मौजूद है, तो आयु रेखा भी सभी प्रकार से सही है। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया। अब मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो आपकी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूरी हों। देखिए, एक तो मैं कहूँगा कुछ पूजा पाठ आप नहीं करते हैं, कम से कम आप कोई भी पूजा करें, इतना ख़राब हाथ नहीं है जिसके लिए मैं ज़्यादा पूजा बताऊँगा आपको, कोई भी पूजा करें लेकिन ईश्वर के एक बार सामने बैठ करके उसकी प्रार्थना जरूर करें, और उससे वह जो भी आपको अच्छी पूजा लगती हो उसी पूजा को अपना लीजिए। मैं कोई पूजा भी नहीं बताऊंगा आपको कि जो ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। साथ ही साथ एक बेहतरीन फायर ओपल आपको इस उम्र के, आप चाहें तो फायर ओपल एक यहाँ पर पहन सकते हैं, तो यहाँ आप मेरे हिसाब से रतन बनता आपका फायर ओपल, वो पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे भी मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। भाई इतना फर्क कीजिए, जीवन सुख भोगिए। नमस्कार।